आज बिलासपुर में ईवीएम वेयर हाउस का भवन बनने के पश्चात विधिवत उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईवीएम वीवीपैट मशीनों के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में जहां ये भवन बनकर के तैयार हुआ और इसकी जरूरत हम कई लंबे समय से महसूस कर रहे थे, क्योंकि ईवीएम रखने के लिए कोई निर्धारित स्थान अभी तक हमारे पास नहीं हुआ करता था और आमतौर पर ये ईवीएम वीवीपैट को रखने का मेरी आवाज आ रही है वहां पर मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा था कि आमतौर पर हमारा इस प्रकार से ये ईवीएम और वीवीपैट जो है वो अलग अलग स्थानों पर रखते थे और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो स्थान बहुत सुरक्षित नहीं होते थे। जो एक रिक्वायरमेंट होती थी, जो जरूरत होती थी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक, और उसके साथ साथ में बहुत सारा हमारा जो अकोमोडेशन का हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखती थी। और मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं, खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और उनने इस सारे मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन के साथ टेकअप करके, और इलेक्शन कमीशन भी लगातार इस सारे विषय को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख करके कि अलग से ईवीएम के लिए हमको वेयर हाउस बनाने चाहिए, ताकि जो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो मापदंड है उनका भी पालन हो और उसके साथ साथ में जो अकोमोडेशन हम कभी स्कूल के भवन की ले लेते हैं, कई जगह हम कॉलेज के भवन की ले लेते हैं, कई जगह दूसरे कम्युनिटी सेंटर जो हमारे बने होते हैं उसमें रख देते हैं, तो उसके बजाय वेयर हाउस बन करके अगर तैयार होंगे तो उसमें हम इस सारी व्यवस्था को वहां पर कर सकते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस दृष्टि से आपके यहां पर बिलासपुर में ईवीएम का वेयर हाउस बनकर के तैयार हुआ। लगभग 4,92,00,000 की लागत से वेयर हाउस बनकर के तैयार हुआ और ये आज से जो है उसको उपयोग में हम ला रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमेशा हर क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं उन प्रयत्नों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम सदैव काम करते रहेंगे और अभी आने वाले समय में बहुत कम चुनाव के करीब हैं। अब ईवीएम का वेयर हाउस बनकर के तैयार हुआ, उद्घाटन आज हो रहा है, तो ये भी आप सबको और हम सबको ये स्मरण करा रहा है कि चुनाव करीब आ गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे आने वाले समय में जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम गियर अप करें, सभी माननीय विधायक, सभी अधिकारीगण, और उसके साथ साथ में अभी जो आने वाले समय में हमारी 1 तारीख से जो हम 75 इवेंट्स हिमाचल प्रदेश में हम करने जा रहे हैं, हिमाचल के अस्तित्व के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, उन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आप सब लोग लगे हैं, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और आज के कार्यक्रम में कोई बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सबके बीच में बहुत जल्दी आपके मिलने के लिए कार्यक्रम बना रहा हूं और जब आपके बीच में आना होगा तो कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे बातचीत भी होगी, आप सबसे मिलना भी होगा, लेकिन फिलहाल आज का ये कार्यक्रम, मुझे बताया गया कि हमारा ईवीएम का वेयर हाउस बन करके तैयार है, इसकी उद्घाटन की एक रस्म पूरी करनी चाहिए हमको, तो हमने उस उद्घाटन की रस्म को पूरा करने के लिए आज वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके आपसे संवाद किया है और मैं सभी माननीय विधायकों को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम मिलेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।